हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चटपटे आलू बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे आधा किलो उबले आलू चाहिए, काला नमक चाहिए, सफ़ेद नमक चाहिए, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, जीरा, हरी मिर्च, चना मसाला और चाट मसाला। चाट मसाला आधा चम्मच, चना मसाला एक चम्मच, जीरा आवश्यकता अनुसार और धनिया पाउडर एक चम्मच। नमक दोनों डालने, इसलिए देख के डालें कि ज्यादा ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा दोनों नमक डालें। मिर्च आप जितना खा सकते हैं, तीखा खाते तो ज्यादा डालें, कम खाते तो कम डालें। हरा धनिया चाहिए, रिफाइंड चाहिए। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखें और इसमें रिफाइंड डाल दें, रिफाइंड को अच्छा गर्म होने दें। जब तक रिफाइंड गर्म होता है, हम आलू के पीसेस कर लेते हैं। रिफाइन गरम हो गया है, गैस को सिम कर दें। अब सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, नमक और सभी मसाले इकट्ठे डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए आलू बिल्कुल तैयार है। हम अब गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब ऊपर से हम इसमें धनिया डाल देंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहे पराठा, चाहे पूड़ी किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।